राजस्थान में दूसरे चरण का चुनाव होगा 26 अप्रैल को, यानी कि चुनाव प्रचार के आखिरी दो दिन बचे हुए कल शाम को यहां चुनाव प्रचार थम जाएगा और दूसरे चरण में 13 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होने के लिए भजनलाल शर्मा आज टोंक पहुंचेंगे और टोंक के अलावा पाली और डूंगरपुर में भी उनकी मौजूदगी रहेगी। यहाँ पर भी कार्यक्रम रखा गया है। टोंक की उनियारा में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भजनलाल शर्मा जाएंगे पाली और चुनावी जनसभा उनकी रहने वाली है। टोंक और पाली के बाद सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे डूंगरपुर, यहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और दो दिन बाद होने वाले चुनाव पर होगी चर्चा। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए मुबारक खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनके पास लिए चलते हैं। मुबारक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, कल हमने देखा था किस रूप में हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे, आज क्या लगता है, क्या कुछ खास रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी की इस सभा में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी इन दिनों राजस्थान में अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में दौरे चल रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों जब बांसवाड़ा आए थे तो उस दौरान भी एक बयान उनका, हम कह सकते हैं कि तमाम कांग्रेस नेताओं ने उस बयान को लेकर प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पहले दिए गए एक बयान को लेकर उन्होंने फिर से जिक्र किया, जिससे देश भर की राजनीति में जो है एक मान सकते हैं कि भूचाल सा आ गया। उसके बाद तमाम कांग्रेस नेताओं ने उस बयान को लेकर कटाक्ष किए, तंग कसे। तो ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जो है राजस्थान दौरे पर है, टोंक सवाई माधोपुर सीट पर जहां बीजेपी लगातार दो बार जीतती आई है, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है यहां पर सभा करनी पड़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की आज जब सभा होगी करीब 10:30-11 बजे के लगभग वो यहाँ उनियारा पहुंचेंगे। उनियारा में सभा है, बीजेपी ने इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां भी कर ली है। वहां से सुखबीर सिंह जौनापुरिया भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके सामने कांग्रेस के हरीश मीणा है। ऐसे में इस बार जो है, क्योंकि अब जो दूसरे चरण में 13 सीटें हैं उन पर कड़ी मुकाबला हम कह सकते हैं, तो जिन सीटों पर बीजेपी को किसी तरह की समस्या है, क्योंकि ये जो इलाका है गुज्जर और मीणा बाहुल्य इलाका माना जाता है और इस बार कहीं ना कहीं गुज्जर और मीणा थोड़ा भाजपा से जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसटीएससी को लेकर कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि कोई घोषणा कर सकते हैं, कोई आने वाली स्कीम बता सकते हैं या इनके उत्थान के लिए किए गए कार्यों का बखान कर सकते हैं, इस तरह के बयान प्रधानमंत्री आज यहाँ दे सकते हैं, घोषणाएं कर सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव है, चुनाव के बाद किस तरह वो एसटीएससी के लिए काम करेंगे, क्योंकि इन चुनाव में एक परसेप्शन ये बन गया था कि अगर 400 पार भाजपा जाती है तो वो संविधान को खतरा है, संविधान बदलने की बात करें उससे कहीं ना कहीं एसटीएससी में रोष था, वो बीजेपी से दूर जा रहे थे। तो उसी के चलते जो है टोंक के उनियारा में ये सभा रखी गई है, गुज्जर मीणा बाहुल्य इलाका है। तो ऐसे में इस बार प्रधानमंत्री जब आज यहाँ पहुंच रहे हैं तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री इस इलाके के लिए कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा जरूर करेंगे। गुर्जर और मीणा बाहुल्य इलाका आपने कहा है, टोंक का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, किस रूप में मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने तो सिटिंग सांसद को ही टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी ने मैदान में यहाँ मीणा को उतारा है, हरीश मीणा को, मुकाबला किस रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा है सीट पर, क्योंकि दो बार से बीजेपी लगातार यहाँ जीतती हुई आई है और इस इलाके में देखिए रेल सेवा अब तक नहीं पहुंची है। ऐसे में लंबे समय से ही मांग थी कि यहाँ पर रेल पहुंचे, टोंक में रेल पहुंचे, सचिन पायलट यहाँ से विधायक भी हैं, दो बार के विधायक हैं। ऐसे में इस बार लगातार क्योंकि केंद्र के अधीन ये मामला आता है रेल का, तो ऐसे में दो बार से रेल की बातें हुई, वादे किए गए वो अब तक नहीं पहुंची, नदियों को जोड़ने की बात थी इस इलाके में वो अब तक चीजें अधूरी रही, खेती किसानी से जुड़ा ही इलाका आता है, अमरूद की खेती इस इलाके में होती है। ऐसे में मंडी बनाने की बात थी, मंडी को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाने की बात थी, ऐसी कई मांगे इस इलाके की थी लेकिन जो अब तक पूरी नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं अंदर खाने उन चीजों को लेकर भी स्थानीय जो सांसद है उनके खिलाफ रोष था। लेकिन अब देखना होगा कि जब 26 अप्रैल को जब वोटिंग होगी तो वो किसके पक्ष में होगी। जी बहुत शुक्रिया आपको मुबारक खान, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए आपका धन्यवाद।